से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्वे में अभी तक नहीं पहुंचा है मुस्लिम पक्ष, मुस्लिम पक्ष का इंतजार हो रहा है। ज्ञानवापी परिसर में हिंदू पक्ष मौजूद है, एएसआई की टीम वहां पर मौजूद है, लेकिन अभी तक मुस्लिम पक्ष नहीं पहुंचा है जिसका इंतजार किया जा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि सर्वे बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्वे की मांग की जा रही थी कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे किया जाए ताकि ये पता चल सके कि मंदिर है या फिर मस्जिद है, लेकिन हिंदू पक्ष पहुंच चुका है, अभी तक मुस्लिम पक्ष नहीं पहुंचा है जिसका इंतजार किया जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आज का दिन बेहद ही काफी महत्वपूर्ण है। राजीव हमारे सहयोगी जुड़ गया है। राजीव, लेकिन अभी तक मुस्लिम पक्ष जो है वो नहीं पहुंचा है, क्या वजह अभी तक बताई जा रही है वहां पर? अब देखिए, अगर बात की जाए तो खुद जिला जज ने जो 21 जुलाई को फैसला दिया था उसमें इस बात का जिक्र किया था कि जब एएसआई सर्वे होगा तो दोनों पक्ष के पक्षकारों और वादियों के मौके पर रह सकते हैं, वो देख सकते हैं, उनके अधिवक्ता रह सकते हैं। लेकिन अब तक जो सूचना मिल रही है कि मुस्लिम पक्ष के जो वादी हैं और जो अधिवक्ता हैं वो अंदर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन एक निर्धारित समय तक उनका इंतजार किया जाएगा। उनके ना आने से सर्वे कार्य को रोका नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक कोर्ट के आदेश का अवमानना होगा। कल तक जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ सभी पक्षों की बैठक हुई थी, सभी पक्षों ने इस बात का आश्वासन दिया था कि वो इस सर्वे में सहयोग करेंगे और उसी के तहत तमाम लोग, हिंदू पक्ष की तमाम वादियां अधिवक्ता पहले से ही अंदर मौजूद है, एसआई की टीम मौजूद है, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद है और जो इस मस्जिद के मुतवल्ली हैं वो भी अंदर मौजूद है। तो कुछ देर बाद तक इंतजार किया जाएगा, अगर वो नहीं आएंगे तो सर्वे का कार्य उनकी अनुपस्थिति में रुकेगा नहीं, ये कोर्ट का आदेश है। क्योंकि लगातार मुस्लिम पक्ष इस बात की कोशिश कर रहा है कि एएसआई के सर्वे को रुकवाया जाए। इसी तो सर्वे किसी भी तरह से रुकेगा नहीं, अगर मुस्लिम पक्ष नहीं पहुंचता है तो भी मस्जिद के जो मुतवल्ली है उनकी मौजूदगी में कार्य शुरू हो जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटते हैं। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।